वेलकम टू माय चैनल रेसिपी सब। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे पोहे की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसको आप कभी भी सुबह के नाश्ते में या चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही पौष्टिक भी होता है। तो चलिए बनाते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने 3 कप पोहा लिया है और ये 3 लोगों के लिए काफी है। और पोहे 2 प्रकार होते हैं, पतले वाले, मोटे वाले। यहाँ हम मोटे वाले पोहे का इस्तेमाल करेंगे। इसको अच्छी तरह से धो लीजिए 1-2 पानी से, जिसे साफ हो जाए। लेकिन इसको मसल कर मत धोइएगा, बस ऐसे ही पानी डालकर इसका पानी निकाल लीजिए। इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए पोहे में, नहीं तो पोहा चिपचिपा बनेगा। अब इसको ढककर हम सोक करने के लिए रख देंगे। अब हम सब्जियों को ले लेते हैं। सब्जियों मैंने 1 मीडियम साइज का आलू बारीक काट रख लिया है, 1 मीडियम साइज का प्याज बारीक कटा रख लीजिए, 1 मीडियम साइज का गाजर बारीक कटा हुआ, 2 से 3 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, या जैसा आप तीखा खाना पसंद करें कम या ज्यादा कर लें उसको, 1 कप हरा मटर, 3 मीडियम साइज के टमाटर बारीक कटे हुए। और ये 3 व्यक्तियों के लिए पोहे बनाने के लिए परफेक्ट है। शक्कर 1.5 छोटा चम्मच, हल्दी पाउडर 1/2 छोटा चम्मच, नमक, थोड़ी सी धनिया पत्ती कटी हुई, नींबू और थोड़ा सा मूली लेंगे, और 1 कप मूंगफली, तड़के के लिए 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच राई और थोड़ी सी करी पत्ता लेंगे। अब एक कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच तेल डालकर इसको गर्म करेंगे। जब तेल गर्म हो जाए अच्छी तरह से, तब हम इसमें मूंगफली डालकर इसको फ्राई करेंगे। तो मूंगफली जब पक जाए तो इसको हम तेल से बाहर निकालेंगे। और फिर इसी तेल में हम तड़का डालेंगे जीरा और राई का, और ये जब जल जाए तब हम इसमें करी पत्ता डालेंगे। अब हम इसमें टमाटर को छोड़ के सारी सब्जियों को डाल देंगे। अब इन सब्जियों को तेज आंच पर 10 से 15 सेकेंड फ्राई कर लेंगे, इस तरह से चलाते हुए। अब हम इसमें मटर डालेंगे। मैंने इसमें मटर ज़्यादा इस्तेमाल किया है क्योंकि मुझे बहुत ही पसंद है। आप चाहें तो अपने हिसाब से मटर डाल लें और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब हम इसमें हल्दी पाउडर 1/2 छोटा चम्मच और नमक डालेंगे 1 छोटा चम्मच, ताकि सब्जियाँ जल्दी से पक जाएं। अब इनको मिलाकर हम ढककर पकाएंगे 1/2 मिनट तक। 1/2 मिनट के बाद सब्जी को हम चेक करेंगे। इसको अच्छी तरह से मिला लीजिए। और आलू लगभग काफ़ी हद तक पक चुका है। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे और टमाटर डाल के इसको हम ढककर फिर से 1 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएंगे, ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए और जो थोड़ी बहुत सब्जियां कच्ची हैं वो भी पक जाएं। ध्यान रखिएगा, सब्जी बिल्कुल बारीक कटी होनी चाहिए, इससे सब्जी जल्दी से पक भी जाती है और पोहे में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाती है, अलग से नहीं रहती, तो उसको खाने में स्वाद बहुत ही अच्छा लगता है। 1 मिनट बाद फिर से हम इसको अच्छे से चला लेंगे। अभी देख रहे हैं आप कि टमाटर बिल्कुल गल चुके हैं और आलू भी बिल्कुल पक चुका है, बिल्कुल मैश हो रहा है। अब इन सब्जियों को अधिक पकाने की ज़रूरत नहीं है। अब इन सब्जियों में हम पोहे को डालेंगे। उसके पहले पोहे को एक बार हाथ से इस तरह खोल दीजिए, क्योंकि भीगने से एक जगह इकट्ठा हो जाता है, और ऐसे डायरेक्ट हम डाल देते हैं तो गुठलियाँ बन जाएंगी पोहे की और फिर पोहा बिल्कुल ख़राब हो जाएगा उसका स्वाद। और इस तरह से खोल के डालेंगे, बिल्कुल खिला खिला आएगा। अब हम इसमें थोड़ा और नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार, और 1.5 छोटा चम्मच शक्कर डालेंगे। अब आंच को बढ़ा लेंगे और 1 मिनट तक इसको हम इस तरह से मिलाते हुए मिक्स करेंगे पोहे को। अब देखिए पोहा बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब गैस को हम बंद कर देंगे। अब हम इसमें 1/2 नींबू का रस डालेंगे, इससे पोहा और भी चटपटा हो जाएगा। धनिया पत्ती डाल लीजिए कटी हुई, और फ्राई किए हुए मूंगफली डालेंगे और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
आप देख रहे हैं पोहा कितना कलरफुल बना है, बहुत ही सुंदर लग रहा है और ये बहुत ही स्वादिष्ट भी है खाने में। आप इसको भर पेट खा सकते हैं, इसको नाश्ते में बना सकते हैं, बच्चों के टिफिन में दे सकते हैं या कभी भी जब आपको कुछ अच्छा खाना हो तो इसको बनाकर खा सकते हैं। आप इसको गर्मा गर्म सर्व कर लीजिए। इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे हम और सर्व करने से पहले इसमें हम थोड़ा गार्निशिंग करेंगे, थोड़ा धनिया पत्ती डालेंगे ऊपर से, थोड़ा मूली कद्दूकस करके डालेंगे, थोड़ा सेब भुजिया डाल लीजिए और थोड़े से अनार के दाने डाल लीजिए। इससे इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा हो जाता है, बहुत ही टेस्टी होता है और देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। तो आपको पोहे की रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और यदि आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, बाय बाय।